नमस्कार, आज हम ऑनलाइन बैंकिंग, जिसे कि इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आजकल डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के कारण मार्केट में लिक्विड कैश यानी कि नोटों की कमी हो गई है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आमतौर पर बैंकिंग कार्य करने के लिए आपको बैंक तक जाना पड़ता है और लंबी कतारों में भी खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप यही काम घर बैठे कम से कम समय में कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग बैंकिंग का वह आधुनिक स्वरूप है जिसमें आपको पारंपरिक बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है और आप वह सारे काम घर बैठे कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप यह सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भुगतान कर सकते हैं, आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं और आप अपने चेक का भुगतान होने से भी रोक सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग करना जितना फायदेमंद होता है उतना ही यह आसान भी होता है। इसके लिए सबसे पहले आपका उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, अगर ना हो तो खुलवा लें। इसके बाद नजदीकी बैंक शाखा में जाकर ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट करने का एप्लीकेशन दें। इसके बाद आपको एक किट दी जाएगी जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होगा और साथ में एक किट नंबर भी। यह किट नंबर बैंक में जमा करने के 24 घंटे बाद ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन बैंकिंग करने का प्रोसीजर लगभग सभी बैंक के लिए एक समान होता है। यहाँ हम SBI बैंक का उदाहरण लेकर आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1, SBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन का बटन दबाएं। इसके बाद एक नया विंडो खुलेगा, उसमें लिखी हुई सारी चीजें ध्यान से पढ़ें और इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन का बटन दबाएं। इसके बाद एक और नया विंडो खुलेगा जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड लिखने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर पहली बार लॉगिन करते समय किट पर दिए हुए यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करें और लॉगिन का बटन दबाएं। एक बार लॉगिन करने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार नया यूजर नेम और पासवर्ड रखकर सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक नया प्रोफाइल पासवर्ड भी बना सकते हैं। हमने बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भुगतान करना सीखेंगे। इसमें भी हम SBI बैंक अकाउंट का उदाहरण लेंगे। भुगतान करते समय नेट बैंकिंग का विकल्प चुनें। इसके बाद जिस बैंक में आपका अकाउंट हो उसे सिलेक्ट करें और पे नाउ दबाएं। इसके बाद SBI की ऑफिशियल नेट बैंकिंग वेबसाइट खुलेगी, उसमें पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके यूजर नेम और पासवर्ड लिखकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद भुगतान राशि दिखाई जाएगी, उसे एक बार चेक करें और अगर वह सही हो तो कंफर्म का बटन दबाएं। इसके बाद सुरक्षा कारणों से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड भेजा जाएगा, उसे लिखें और कंफर्म दबाएं। इस प्रकार आप अपने किसी भी बिल का भुगतान नेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा की मदद से आप निधि अंतरण यानी कि फंड ट्रांसफर, अंतर बैंक अंतरण यानी कि इंटर बैंक ट्रांसफर, RTGS, NEFT, IMPS के साथ ही ई जमा यानी कि ई डिपॉजिट, ETDR और ESTDR जैसी चीजें भी घर बैठे कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ बुनियादी चीजों का मतलब समझते हैं। इंटर बैंक ट्रांसफर यानी कि अंतर बैंक अंतरण, इसमें आप एक खाते से दूसरे खाते में जो कि किसी और बैंक की किसी और शाखा में हो इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण यानी कि ई ट्रांसफर कर सकते हैं। अंतर बैंक अंतरण की दो प्रणालियां है, RTGS और NEFT। इन दोनों का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करती है। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि तत्काल सकल निपटान। इसमें निधि अंतरण अनुदेश प्राप्त होते ही तुरंत निपटान किया जाता है। RTGS भारत में सुरक्षित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सबसे तेज अंतर बैंक अंतरण यानी कि ई ट्रांसफर सुविधा है।
एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। इस प्रणाली में डिफर्ड नेट सेटलमेंट यानी कि आस्थगित निवल निपटान का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है कि उपदेश प्राप्त होते ही तुरंत निपटान नहीं किया जाता बल्कि बैच में निपटान किया जाता है। यहाँ हर एक बैच एक घंटे का होता है। उदाहरण स्वरूप सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो भी उपदेश आते हैं उनका निपटान 9 बजे के बाद किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में RTGS और NEFT के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि दिखाई गई है। RTGS के लिए न्यूनतम राशि ₹2 लाख होती है और अधिकतम राशि 10 लाख होती है। NEFT के लिए कोई न्यूनतम राशि नहीं होती और अधिकतम राशि 10 लाख होती है। लेन देनों के समय RTGS लेन देन सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से शाम 4:30 बजे के बीच में होते हैं और शनिवार को सुबह 9 से दोपहर 2:30 बजे के बीच में होते हैं, जबकि NEFT लेन देन सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से शाम 7 बजे तक होते हैं और शनिवार को 8 से दोपहर 1 बजे तक होते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि लेन देन शुल्क के हिसाब से NEFT और RTGS में कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। आप अक्सर ये सोचते होंगे कि इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करना इतना आसान और सुविधापूर्ण है, तो क्या यह सुरक्षित भी है? ये बिल्कुल सुरक्षित है और आजकल नई तकनीकों की मदद से यह और भी सुरक्षित होता जा रहा है। अब हम देखेंगे कुछ छोटी चीजें जिनसे आप अपना बैंकिंग अनुभव सुरक्षित बना सकते हैं। इनमें सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड सेट करते समय यह हमेशा ध्यान दें कि वह पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो। कहीं भी ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड लिखते समय हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड यूज करें। साइबर कैफे जैसी जगहों पर जहां एक ही कंप्यूटर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं वहां इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग ना करें। पासवर्ड नियमित तौर पर बदलते रहे, हमें पासवर्ड हर 3 महीने में बदलना चाहिए। अपना पासवर्ड गुप्त रखें यानी कि किसी को भी अपना पासवर्ड ना बताएं और इसे कहीं भी ना लिखें। बैंक से कभी भी कोई भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड जानने के लिए कॉल नहीं करता, इसलिए कोई आपसे कॉल करके अगर यह डिटेल्स मांगे तो उसे ना दे। इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतें। बैंक की वेबसाइट पर सुरक्षा कारणों के लिए अकाउंट लॉक करने का ऑप्शन होता है, तो अगर आपको अनहोनी की आशंका हो तो कुछ समय के लिए आप अकाउंट लॉक भी कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ हैप्पी एंड सेफ बैंकिंग एक्सपीरियंस।